स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। कैसे है बेका? क्या बोला डॉक्टर ने? अम्मा उन्होंने कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, प्लीज संभालिए अपने आप को। अम्मा प्लीज रिलैक्स, मैं पानी लेकर आती हूँ। सिमी तुम अक्का अम्मा को लेके घर जाओ, मैं आती हूँ। मम्मा आंटी जी मेरे साथ कॉफी पीने चलो ना कैंटीन तक, थोड़ा आप लोग फ्रेश हो जाओगे और भाई और रिश्ता के लिए भी ले आएंगे कॉफी। हाँ नहीं सिम्बे तू चली जा, तू कॉफी ले आ, मैं इधर ही ठीक हूँ। अम्मा ऐसे गलत थोड़ी ना करता है, देखो अगर आप लोग ऐसे परेशान रहोगे तो मेरे को कौन संभालेगा। हाँ आपको खुद को संभालना होगा पहले, प्लीज चलो। मैं इधर ही बैठती, तुम जाओ। माँ ले ले। माँ आप लोग अगर ऐसे करेंगे तो मैं आप लोग को घर छोड़ दूंगा। समदर ठीक ही तो कह रहे बच्चे, मैं और तू बीमार हो गए तो किसी का भला नहीं होना। चल चलिए आ जा। मीर तुम भी चलो कॉफी पी लो, आप बोल रहे हैं मैं भी जा रही हूँ, चलो। सुन तुम भी जाओ, आप भी बोले बोलिया सुधार दवाई। उन सबको मैंने कैंटीन भेजा है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। अच्छा ये एक ही रात में कितना कुछ बदल गया ना रमन, मीका और मीर के साथ जो हो रहा है ना, रियली आई विश कि मैं ऐसा कुछ कर सकूं कि उनका सारा दुख ले लूं मैं अपने ऊपर। वो लोग नहीं हैंडल कर पाएंगे ये सब, और अम्मा उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा है। आई रियली विश कि मैं उन्हें प्रेस से बचा पाती, जाने किसकी पनिशमेंट मिल रही है सबको। एक्सक्यूज मी मैडम, आपको अंदर बुलाया। ये पनिशमेंट एक्चुअली मेरे हिस्से की, जो तुम भुगत रही, गलती मेरी थी। अशोक और शकुन को तुम्हारी लाइफ मिला है, तुम्हारी फैमिली की लाइफ मिला है, कोई मौका नहीं छोड़ते मुझे चोट पहुंचाने का, और जरिया तुम्हें बना रखा है। एक तरफ आदि की नफरत तुम्हारे लिए बढ़ती जा रही है, और दूसरी तरफ अशोक ने मीका किस्सा दिया। उसका एक ही रास्ता है इश्क, इन सब से तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ जुड़ी रही तो तुम तकलीफों से कभी दूर नहीं हो पाओगे। Everything will be fine. Don't worry. No. So, अगर जो मैंने किया वो माफी के भी काबिल नहीं है, कब? Sorry. मीका मुझे लगता था कि तुम बहुत strong हो। क्या है तुम इतनी डरपोक कब हो गई? हाँ तुमने तो मेरे सारे बिलीफ को तोड़ दिया। हम तुम्हें एक बार अशोक की गलती के लिए माफ कर भी सकते थे, लेकिन गुड्डी उसके बाद उससे ज्यादा बड़ी गलती कर दी तुमने। हाउ कुड यू डू दैट? क्या लगता है तुम्हें, तुम्हें लगा हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे? यू डोंट ट्रस्ट योर फैमिली, तुम्हें हम लोग पे भरोसा नहीं है मीका। तुम्हें समझ नहीं आया एक भी बार कि ठीक है तुम्हें दर्द है, लेकिन तुम्हारे दर्द से हमें ज्यादा दर्द होगा। तुम्हें हमारे पेन का ख्याल नहीं आया कि तुम्हें ऐसे तकलीफ में देख के हम पर क्या बीतेगी? तुम हमसे प्यार नहीं करती हो क्या मीका? अपनी फैमिली से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है?
तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता बीका क्या होता हम लोगों का? You love us, right? तो हमसे प्यार करती हो तो तुम्हें खुद से प्यार करना पड़ेगा because we love you. तुम क्यों नहीं समझते इस बात को? ये सलूशन नहीं है. Don't ever do it again. ठीक है? तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो. कुछ लिसन, अब जो हुआ सो हुआ, अब हम कोई गलती नहीं करेंगे. ठीक है? फैमिली पर भरोसा करेंगे. वी हैव टू ट्रस्ट आवर पीपल. फैमिली सब कुछ है ना. बच्चा भी ऐसे कभी मत करना. तो कुट्टी, अभी जो हुआ हम इसे भूल जाएंगे. Good girl. डॉक्टर जल्दी ठीक करो आप इसे. इसको ना मेरी अम्मा के हाथ का रसम काफी पसंद है. जब तक ये रसम नहीं पिएगी ना यहाँ पे ठीक से लेट वेट नहीं पाएगी. She needs to go home. बस ये ऐसी स्माइल करती रहे, बिल्कुल ठीक हो जाएगी. आप जरा बाहर आएंगे तब तक नर्स ड्रेसिंग चेंज कर देगी. नर्स प्लीज ड्रेसिंग चेंज कर दो. डॉक्टर प्लीज वैसे बीका के साथ सब ठीक तो है ना? कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है? हाँ रिकवरी तो ठीक हो रही है जी, पर मैं आपसे कुछ और कहना चाहती थी. कहिए ना, क्या बात है? देखिए जब इन्हें यहाँ लाया गया था तो वो कुछ बड़बड़ा रही थी, बार बार सॉरी कह रही थी. कह रही थी मुझे माफ कर दो मिहिर, अम्मा, अक्का. उस वक्त मैं समझ नहीं पाई, लेकिन आज जब मैंने न्यूज देखी तो मैं समझ सकती हूँ कि क्या हुआ होगा. इसलिए मैंने उनका चेकअप किया ये जानने के लिए कि कहीं कोई रेप या असॉल्ट तो नहीं किया गया है. तो क्या क्या पता लगा? देखिए आप खुद डॉक्टर हैं, आप समझ सकती हैं मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ. मिहिका के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई है. एंड एक्चुअली शी वाज राइट, शी डिड नॉट स्लीप विद एनीवन. आपको भरोसा है ना डॉक्टर? ऑफ कोर्स. आज जो पेपर में आया है वो सब झूठ है. मिहिका शी इज अ वर्जिन. किसी अच्छे इंसान के ऊपर अगर ऐसी बदनामी हो जाए तो वो और क्या करेगा? इसी वजह से उन्होंने अपनी जान देने की कोशिश की. डॉक्टर थैंक यू सो मच. पता नहीं आपने मुझे कितनी कितनी बड़ी खबर सुनाई है. ये तो इस बात का प्रूफ है कि मीका सही थी. मैं अशोक, उसने न सिर्फ हम लोगों से झूठ बोला, उसने अपनी होने वाली बीवी से झूठ बोला क्योंकि उसे एक्चुअली शादी ही नहीं करनी थी. उसे सिर्फ शादी से बचने के लिए इतना बड़ा गेम खेला. माय गॉड, मेरी मीका कहना चाहिए सब पता चल गया. थैंक यू सो मच, आई एम रियली थैंकफुल टू यू. आपने बहुत बड़ा उपकार किया है हम लोगों पे. थैंक यू सो मच डॉक्टर. सोशिता को पता चल चुका है कि मैंने मीका के साथ कुछ नहीं किया. ये मेरा खेल बिगाड़ दे, मुझे किसी ना किसी तरह इसे रोकना होगा. देखिए आप बिल्कुल रिलैक्स करिए, मैं आपकी प्रेस वाले को भगाने में तो मदद नहीं कर सकती, बट एटलीस्ट मीका और उसके घर वाले सच्चाई जान गए हैं. आई विल रेकमेंड काउंसलिंग फॉर मीका, शी इज वेरी डिस्टर्ब. काउंसलिंग बहुत जरूरी है एंड उसको आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है. मैं हूँ रवि मीका के साथ. थैंक यू, यू वेलकम. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मिलने आया. ओ मीका, तुम्हें दिखता नहीं मैं क्या करता. तुम ही तो मुझे यकीन दिलाना चाहती थी कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो, तो फिर मैं क्या करता? चलो छोड़ो, इन सब बातों को भूल जाओ और मुझसे शादी करो.
dress and everybody will love it. मैं सिर्फ मिहिर से प्यार करती हूँ. तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुमसे शादी करूंगी? Just get out. Oh, come on, Mihika. तुम्हें अभी भी लगता है कि मिहिर तुमसे शादी करेगा? I don't think so. उससे इतनी हाई प्रोफाइल बीवी तो हैंडल होगी नहीं. और तुम्हारी फैमिली, मुझे पता है कि वो तुम्हारी अम्मा से छुपा रहे हैं, जो अभी यूएस में है, राइट? जब उन्हें पता चलेगा, और आजकल खबरों को फैलने में ज्यादा टाइम तो लगता नहीं. सो कैसे संभालोगी अपनी अम्मा को, अपनी आंटी को? I'm telling you, in the end, you will have to marry me. To save yours and your family's face. Sochlo. Get out. I said, get out. Help me, please. Oye! Oh, beshram. Tu idhar ki kar raha hai? Chal nikal dafa idhar. Hey, aadmi idhar kya kar raha hai? Santoshi, police ko bula. Ye idhar nahi ho raha hai. Chhad tu police ko. मुझे मीका को बताना होगा कि कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ अशोक का गेम प्लान है ये. अरे अरे चिताजी, यूं आंखें बंद करके कहीं भी जाने से आप ऐसी जगह पहुंच सकती हैं जहां आपको नहीं होना चाहिए. अशोक, तुम्हारा गेम खत्म हो गया है. तुमने जो किया, शगुन से शादी नहीं करने के लिए किया. तुमने मिहिका को छुआ तक नहीं है. इस बात का अब हमें प्रूफ मिल गया है. मिहिका के डॉक्टर ने बताया है. तो खेल खत्म. चलो अच्छा है कि आपको सब पता चल गया कि मैंने प्लानिंग की. And why not? मीका मुझे फंसाना चाहती थी, लेकिन बेचारी खुद ही फंस गई. अब मैंने आपको कितनी बारी कहा है कि मुझसे पंगा मत लिया कीजिए. मैं रमन वाला तो हूँ ना, जिससे आप जीत जाएंगे. तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं चुप होकर बैठ जाने वाली हूँ? जो मन में आए वो कीजिए, लेकिन मीका की रेपुटेशन की तो धज्जियां उड़ चुकी. अब कौन करेगा शादी उससे? मीर तो करेगा नहीं. अब आपकी बहन के पास सिर्फ एक ही चारा है, वो है मैं. अशोक, अगर तुमने डॉक्टर रमन शिता भल्ला प्रेस अभी भी इसी हॉस्पिटल में, अगर वो आपको चिल्लाते हुए देखेगी तो क्या सोचे? बेहतर यही होगा कि अपनी बहन के पास जाइए और उसे समझाइए दैट आई एम द मैन फॉर. मिहिका और तुम्हारे साथ ये 2014 है. मिहिका ने तुम्हारी बैंड ना बजाई तो देख लेना. देख लेना, इसे चैलेंज. I'll kill this man. मैम, ये कुछ दवाइयां लेके आनी है, प्लीज नीचे से ले आइए. तुझे यहाँ कौन लाए? अब जाइए यहाँ से. मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आपकी उस न्यू वाइफ की वजह से. आदि, देख मैं जानता हूँ कि तू बहुत परेशान. शगुन और मैंने तुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई, हमारे अलग होने का असर तुझ पे पड़ा है. लेकिन बेटा ट्रस्ट मी, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है. शगुन अशोक के चुंगल से छूट. क्यों बकवास कर रहे हो तुम? क्यों आदि को अशोक के खिलाफ भड़का रहे हो? मैं अपने बेटे को समझा रहा हूँ. यू हैव अ प्रॉब्लम. यही चाहते थे ना तुम? मैं सिर्फ से ये बता रहा हूँ कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है शकुन. आदि बेटा, तुम चलो, मैं आती हूँ. ड्राइवर, इसे घर ड्रॉप कर ले. तुम्हारा ये जो अच्छे होने का नाटक है ना रमन, मेरे सामने नहीं चलेगा. तुम होते कौन हो आदि से ये कहने के लिए कि अशोक और मेरी शादी का टूटना? ऊपर वाले ने दिमाग दिया है ना, इस्तेमाल कर लो, जंग लग जाएगा.
वो दूध का धुला नहीं है, कमीना है वो। हाँ तुम तो बहुत महान हो ना, तुमने इशिता से शादी इसलिए की ताकि तुम मेरी रूही को मुझसे छीन सको, और तुम्हारी उस बीवी जिससे मैं शादी करने वाली थी मेरे और अशोक के बीच आग लगा दी। तुम दोनों मिलकर मेरे आदि को मुझसे छीनना चाहते। आई मीन व्हाट इज योर प्रॉब्लम? एक्चुअली रमन, बदला ले रहे हो ना कि जिस बीवी ने तुम्हें छोड़ दिया, जिस बीवी ने तुम्हें प्यार नहीं किया, वो बेघर है, शी इज ऑल अलोन। तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो रमन, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। तुम्हारी बीवी और उसकी बहन को इस सब का हिसाब देना ही होगा। बड़ा हंसता खेलता परिवार है ना। Now wait and watch। तुम्हें लगता है कि मुझे दुख देकर तुम सुखी रहोगे? No, that's not gonna happen. Never. गलत फहमियां मत पालो तुम शगुन, प्लीज। मुझे और रमन को कोई शौक नहीं तुम्हें दुख देने का, ये अशोक का किया धरा है। तुम अपनी आंखें खोलो और देखो तो सही। ओ प्लीज मुझे लेक्चर देना बंद करो, तुम्हारे चेहरे से पर्दा हट चुका है। Just get lost from here. शगुन तुम क्यों सच्चाई नहीं देखना चाहती हो, सच से भाग क्यों रही हो? एक काम करो, मेरे साथ चलो, अपने कानों से तुम सच सुनो। Are you crazy? मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि अशोक तुम्हारा इंतजार कर रहा है? Let me tell you, वो तुम्हें छोड़ना चाहता है। You have to see the truth. ये सब अशोक का नहीं, तुम्हारा किया हो। अशोक ऐसा नहीं है। So you prove me wrong ना? डर किस बात का है? चलो मेरे साथ, सच्चाई सामने है, बस तुम्हें देखने की देरी है। Come with me. देखना शगु, अब तुम्हें पता लगेगा कि मिहिका ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, अशोक ने धोखा दिया था। डॉक्टर, क्या प्लीज आप इन्हें बताएंगी जो आपने मुझे बताया था मिहिका के बारे में? यही कि पेशेंट अब बेटर है। नहीं डॉक्टर, दूसरी बात। शिताब, बात क्या है? आपने मुझसे कुछ और बात कही थी, वो मैम आप कहना क्या चाह रही हैं? आई डोंट नो। डॉक्टर, आपने मुझसे कहा था ना कि आपने मिहिका का डिटेल चेकअप किया और आपको पता लगा कि मिहिका के साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ। मैंने आपसे ऐसा कब कहा? हमारे पास टाइम कहाँ था डिटेल चेकअप करने के लिए? हमने तो बस उनकी कलाई पे स्टिचेस लगवाए और ब्लड चढ़वाया। वैसे भी फुल बॉडी चेकअप करने का सवाल ही नहीं उठता, ये कोई रेप केस थोड़ा ना है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, डॉक्टर वैसे झूठ क्यों बोल रही है? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? शगुन बिलीव मी, इन्हीं डॉक्टर ने मुझे खुद बताया था कि इन्होंने चेकअप किया था मीका का, और ये सारा का सारा ड्रामा स्टेज किया था अशोक ने ताकि हम सबको लगे कि वो दोनों एक साथ थे। अब तुम चाहती क्या? जबरदस्ती डॉक्टर के मुझे बुलवाना चाहती हो कि अशोक ने मुझे धोखा दिया है? What is the problem? ये क्या ड्रामा कर रही है तुम्हारी बीवी? Really, I just don't believe this shit. शगुन, believe me. उन्होंने मुझसे इशिता, ये डॉक्टर झूठ क्यों बोल के गई? ठीक है, तेरा और बोल। लेकिन शगुन को मुझे भरोसा है तुम पे, जाने तो नहीं सुनेगी। तुम चलो यहाँ से। चलो इशिता। कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी रमन, मैं कह डॉक्टर ने मुझसे कहा था। तुम बैठो, तुम बैठो। इशिता, आई बिलीव यू, आई ट्रस्ट यू। तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता। थैंक यू डॉक्टर। प्लीज आप यहाँ से जाइए। ओह कम ऑन डॉक्टर, अब ऐसे भी क्या नाराज के? अब आपको अपना पर्सनल क्लिनिक तो खोलना है, इस पैसे से हो जाएगा। रख लीजिए, ज्यादा मत सोचिए। अब शगुन को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, चाहे जिता जितना मर्जी जोर लगा ले। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।